जो हेड मसाज हो रही है मम्मी के पैरों से। हेड मसाज कौन करता है, बताओ उनको, कौन करता है हेड मसाज पैरों से? ये आप लोगों को कुछ बोलना चाहिए। अच्छा और कुछ बोलना, और क्या बोलना है? माथे पे तो तुम्हारे सारे बाल आ रहे हैं, देखो माथे पे सारे बाल आ रहे हैं, इनके बाल इतने लंबे। निन्नो आ गई, निन्नो आ गई। अच्छा कोई ना, निन्नो आएगी तुम्हें अभी, है ना? अभी तो मुझे पता है खेलोगी। सोने का तो ये सब ढोंग है तुम्हारा। गुड मॉर्निंग कर दो सबको, हैप्पी नवरात्रास भी बोल दो सबको, है ना? वेरी गुड, ऐसे बोलेगा हैप्पी नवरात्र सबको, इतनी खुशी होकर बोलेगा। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। हैप्पी नवरात्रीज। एंड आज नया साल हमारे हिंदी कैलेंडर पर शुरू हो गया है, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ जाओ, आ जाओ, पूजा करेंगे। कम आओ, मंदिर के पास आते हो ना, आ जाओ मंदिर के पास, आते हो ना, आओ। मंदिर साफ कर दिया पापा ने पूरा, देखो मम्मी ने कपड़ा पूरे कृष्ण जी के कपड़े बदल दिए, सब कुछ चेंज कर दिया मम्मा ने आपकी, पता है? मम्मा पी लो। अच्छा आज मैं ये हाइट से तुम्हारी यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे पता है आप जाओगे वहाँ पे, तो हटानी ज़रूरी है। एक्चुअली हम लोग ये क्या है, हाइट है ना, यहाँ रख देते हैं मंदिर के सामने, क्योंकि एक बार तो इसने जोत उठा ली थी, तो वी आर लाइक कि इसको थोड़ा ब्लॉक करना पड़ेगा इस रास्ते को, तो हाई चेयर हम यहाँ से उठा के फिर यहाँ रख देते हैं, ताकि ये वॉकर से भी यहाँ ना आ पाए। आ जाओ, आ जाओ, आप आगे आ जाओ, आ जाओ आप आगे आ जाओ, पहले आ गया ना, और आगे आना तुम्हें, और आगे नहीं आने दूंगा मैं। हाँ मुझे पता क्यों आगे जाना है, जो जल रही है ना इसलिए वो उठानी है तुम्हें, इसलिए आगे जाना है। अब हम पूजा कर ले, पापा मम्मी पूजा करेंगे, चलो, है ना? नींद देखो कैसे आ रही है, नींद पूरी आ रही है, नींद पूरी आ रही है। So guys, as I told you before, ये एक हाई चेयर है जिसपे हम लीशा को बिठा के खाना खिलाते हैं, एंड दिस इज द एडिशनल प्लेट दैट वी बॉट। ये वैक्यूम प्लेट है जो कि यहाँ स्टक हो जाती है, थोड़ा बहुत खाना इस बेचारी ने बाहर गिरा दिया। शी इज ट्राइंग टू ईट इट एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इसको हम खाना यहाँ डाल दें। हो इतनी खुशी, इतनी खुशी। इसका खाना हम इस प्लेट में रख देते हैं, ये प्लेट इधर उधर मूव नहीं करती है क्योंकि वैक्यूम प्लेट है, तो ये इस पर चिपक जाती है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जब बच्चा इसमें से खाना खाता है हमारा, तो ये प्लेट इधर उधर मूव नहीं करती। हालांकि ये भी एक प्लेट है जिसपे ये प्लेट रखी हुई है, दिस इज द बिग वन, तो इसमें क्या होता है कि खाना इधर उधर उसका पूरा हो जाता है, शी इज़ नॉट एबल टू ईट फ्रॉम दिस प्लेट, तो इसलिए हमने एक छोटी सी प्लेट पहले ली जो कि इस पे चिपक जाएगी, इस पे स्टिक हो जाएगी, तो बच्चे को खाना खाने में इसमें दिक्कत बिल्कुल नहीं होती। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आपको बच्चे के पीछे बार बार नहीं लगना पड़ेगा खाना खिलाने के लिए, है ना एलिशा? यू विल लर्न इट, ठीक है? आप अपने आप सीख जाओगे खाना खाना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इसलिए बच्चे को यंग एज से बहुत ज़रूरी होता है कि खाना अगर खिलाना है तो पहले उसको खाना सिखाना पड़ेगा। जब बच्चा बैठने लायक हो जाए ऐसे हाई चेयर पे, तो मेक श्योर कि आप लोग भी अपने बेबी को ऐसे बिठा के उसके सामने खाना रखिए। अगर बेबी को भूख होगी डेफिनेटली ही और शी विल ट्राई टू पिक अप द फूड एंड ईट इट। अगर आप बच्चे के पीछे खाना ले लेके भागोगे तो बच्चा बेचारा जिद्दी हो जाएगा, वो कभी एक बार खाएगा भी नहीं और आपको भी फालतू में परेशानी होगी, आप भी सोचोगे मेरा बच्चा कुछ खा नहीं रहा। तो गाइस रात के अभी कुछ 11:30 बज रहे हैं और अभी इस टाइम पे एलिशा जगी हुई है। एलिशा ने एक छोटी सी नैप ले ली थी, तो उसमें वो उठ के आ गई। अरे इसकी पावर नैप बहुत छोटी सी पावर नैप होती है, कुछ अराउंड मतलब कह लो कि 15-20 मिनट की एक नैप होगी, वो ले लेगी, उसके बाद फिर ये उठ जाएगी एंड देन शी विल प्ले विद अस फॉर सम टाइम। उसके बाद ये अराउंड 11:30-12 बजे तक जाके ये सोती है, तो अभी तो आई थिंक आधे घंटे में और ये सो जाएगी आई गेस। अभी भी होप सो में चल रहा है। माइक नहीं मिलेगा, माइक क्यों चाहिए इसको ना? ये एक्चुअली ना मोबाइल में ना ये माइक लगा हुआ है, सो शी इज़ आफ्टर दिस। इससे ना ये फैसिनेट हो गई कि ये चीज़ क्या है, बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम कि मैं मोबाइल में ये माइक लगा के ब्लॉग कर रहा हूँ, तो शी इज़ लाइक कि ये पापा ने क्या ले रखा है अपने हाथ में, है ना? ये पापा ने क्या ले लिया है, ये जेन नहीं मिलेगा भैया तुम्हें। वेरी गुड। डम डम डोल बाजे, गाना था ना, डम 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 डोल बाजे, समथिंग लाइक दैट। मैं इतना अच्छा गाने में हूँ नहीं, ना मेरे लिरिक्स अच्छे हैं। सो देखो यहाँ पे तो मैं फेल हो गया, ठीक है। अबे छारा आज ही खा जाओगी क्या? कल के लिए भी कुछ छोड़ दो। शाम से तुम यही टॉय खा रही हो, दूसरा भी टॉय खा लो, इतने सारे टॉय तुम्हारे पड़े होते हैं। अच्छा एक बात तो बताओ इलिशा, अरे आज हैरानी हो गई भैया मेरे को देख के, तुम्हारे तो इतने सारे टॉय बेड पे पड़े हैं, मगर तुमने आज बात क्या, एसी का रिमोट नहीं छुआ? एसी का रिमोट छू नहीं गया? एसी का रिमोट तो ये ना बेटे, मेन तो मेन टॉय तो ये। रिमोट ये शाम को उठाया, अपने आप एसी चला दिया। अरे ये एसी का टेम्परेचर में अपने आप चेंज कर देती है, मोड चेंज कर देती है। रात को क्या होता है ना, एसी का रिमोट इसके ऊपर रखा होता है, तो कभी इसका हाथ पैर पड़ता है ना, तो अपने आप ही मोड चेंज हो जाता है, फिर अपने को गर्मी लगती है रात को, तो हम सोचते हैं ये मोड कब चेंज हुआ है। अच्छा ऐसे खा जाएगा मम्मी को कभी कभार, मेरे को भी ऐसे रिएक्शन दीजिए कर भैया, जब मैं ऑफिस से आता हूँ और जो निन्नो आ गई, मेरी बात पे तो निन्नो आ गई तुझे, हैं मेरी बात पे निन्नो कैसे आ गई तुम्हें? मतलब मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, जब मैं ऑफिस से आता हूँ वापस, तो क्या होता है कि यू नो नम्रता के साथ होती है, तो मेरे को ऐसा रिएक्शन देती है, इतना प्यारा रिएक्शन देती है, मतलब मेरा दिल मतलब दिल एकदम ना मतलब पिघल जाता है, और वहाँ पे पूरी दिन की थकान मेरी उतर जाती है। एंड ये थोड़ी देर के लिए मेरे पास आती है, बट फिर बाद में इसका क्वेश्चन हो जाता है कि शी वांट्स मॉमी। पता लग रहा है कैसे इसके 7 महीने निकल गया, 8 मंथ लग जाएगा इसका अगले महीने। अब मेरा जो पूरा दिन है ना ऑफिस में ऐसे निकलता ही नहीं है, मुझे एक एक वक्त पता लगता है कि ऑफिस में क्या हो रहा है। लुड़की मारी नहीं लगी, नहीं लगी भैया, स्ट्रॉन्ग बेबी है हमारा, नहीं लगी है, कोई नहीं लगी है। अच्छा ऐसे का देख रहे हो भैया, पलट के हमें ऐसे का देख रहे हो। और जो मम्मी खा गई बेबी को, खा गई मेरे, और मम्मी मेरी बेबी को खा गई, मेरी बेबी को खा गई। सो ये जो टाइम होता है ना फैमिली के साथ, ये बहुत अच्छा टाइम होता है, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम पूरे दिन में, कि मैं आता हूँ घर और शाम को सब खा पी के डिनर कर करा के थोड़ा वॉक पे जाके फिर वापस आते हैं हम लोग। जब सोने का टाइम होता है ना, सोने से पहले का जो टाइम होता है, आधा घंटा होता है, आधा 15 घंटा जब भी जगी होती है, तो हमारे साथ एक खेलते हैं पूरा टाइम, शी स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम विद अस। मतलब ये एक पूरे दिन का अब ऐसा टाइम होता है जब हम तीनों साथ में होते हैं, और मतलब ये बेस्ट क्वालिटी टाइम होता है हम लोग जो आपस में साथ में स्पेंड करते हैं, एंड दिस इज द टाइम आई वेट फॉर। पता है आज मैंने लंच करने गया ना इलिशा, तो वहाँ पे ना गुलाब जामुन थे, ठीक है, मेरी प्लेट में ना उसने गुलाब जामुन रखा, तो मुझे रखा, उसने इलिशा को रखा, अच्छा लगा मुझे, और मैं गुलाब जामुन ना तुम्हें समझ के खा गया। जैसे अशमलाई तुम्हें मम्मी बोलती है ना, वैसे तुम मेरा गुलाब जामुन हो। चिड़ गई, मुँह साफ कर दिया तो चिड़ गई। अरे सॉरी, घी लग रहा है, मुँह साफ नहीं हो रहा, मुझे लगा पहले मुँह साफ कर रही है। बेटा लिप्स पे लगा लो बेटे, तुम्हारे लिप्स थोड़े ड्राई हो जाते हैं ना, छोटे बेबी हो, अभी गुच्छा नहीं करो। कैसे गुस्सा करके दिखा रही है तुम, ये देख रही है? मम्माज गर्ल है, मम्माज गर्ल। लोगों के यहाँ डैडी गर्ल होती हैं, और ये हमारे मम्मा गर्ल हुई है यहाँ पे हैं। एक आज शैतानी जो है हमारी मैडम ने यही वो की है कि हमारे यहाँ पे जो टेबल के पास जो बुद्धा जी रखे हैं, उसके साथ एक कांच की प्लेट में टॉर्टोइज रखे थे, इसमें पानी भर के रखते हैं, तो ये मैडम वहाँ खेल खेल में गई और इन्होंने वो प्लेट टॉर्टोइज समेत गिरा दी। खा जा पापा को, खा जा, खा जा। युद्ध हो जाएगा, पैर मारेगी तो युद्ध कर दूँ। अच्छा गुच्छा को आ गया, कैसे लड़ेगी मेरे से? अच्छा मेरे से लड़ तो दो एक बारी। अरे कैमरा दिख गया इसको कि रिकॉर्ड हो रहा है सब, है लड़ तो लो, कैसे लड़ती हो मेरे से, सबको दिखा दो ना कि तुम कैसे लड़ती हो मेरे से रात को, कैसे लड़ती हो मेरे से रात को, सबको बताओ, सबको पता होना चाहिए। देखो देखो कैसे लाते मारी है, देखो देखो जनता, देखो देखो जनता को पता लगेगा ना कि तुम मुझसे कैसे लड़ती हो रात को। सिर्फ मम्मा मम्मा नजर आती ना। 12 seconds later। कौन है मेरे पास? लड़ना भी मेरे से है, आना भी मेरे पास है, सब मेरे पास ही करना है। कहाँ के? तो जिस प्लेट की मैं बात कर रहा था ना, वो ये प्लेट थी, जो कि ये प्लेट हमने यहाँ रखी हुई थी बुद्धा जी के पास, एंड इस स्टूल की हाइट काफ़ी अच्छी है, बट इलिशा का हाथ फिर भी यहाँ पहुँच गया, वॉकर पे थी, और ये प्लेट साथ में धड़ाम नीचे धड़ाम, और इसके ऊपर जो टॉर्टोइज थे वो भी हमारे बेचारे खराब हो गए, थोड़े से जो एजेस से थोड़े से मतलब वो टूट गए, बट लकीली इसको कुछ नहीं हुआ था, एंड हमने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, इसको रिप्लेस करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, और अगर ये ब्लॉग थोड़ा सा भी तो सभी तरह से भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, गुड नाइट।